अरे राम, ये लोग सब इतना झूठा लोग हैं। बिहार के मार के बर्बाद कर दिए लोग, बिहार को ये लोग लूट के खा गए। बिहार में कानून व्यवस्था नहीं है, उनके मुख्यमंत्री वाहियात बातें करते हैं विधानसभा में। कैसे बिहार इन लोगों को मुख्यमंत्री बनाता है, हमको तो शर्म आती है ऐसे लोगों पर। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो की शुरुआती क्लिप में भोजपुरी के सुपरस्टार रह चुके और राजनीतिक गलियारों में कदम रख चुके बीजेपी के सांसद रवि किशन के बयान को सुनी चुके होंगे, जिसमें वह पत्रकार मनीष कश्यप का सपोर्ट करते हुए सीधा सीधा कह रहे हैं कि बिहार कैसे इन लोगों को मुख्यमंत्री बना देता है। मुझे तो इस बात पर शर्म आती है कि जो गरीबों की आवाज उठाता है, जो गरीबों के लिए लड़ता है, उस पर ही देशद्रोही एक्ट की धारा लगाकर पूरे 9 महीने तक उसे जेल में बंद रखा जाता है। मैं इन्हें बिहार सरकार पर शर्म करता हूँ कि बिहार आखिर ऐसे लोगों को कैसे मुख्यमंत्री बनाता है। उनके मुख्यमंत्री संसद भवन में ऐसा अवहिया तो बातें करते हैं, इतने अभद्र टिप्पणी औरतों पर करते हैं, यह कितनी शर्म की बात है। रवि किशन जी पत्रकार मनीष कश्यप के सपोर्ट में कह रहे हैं कि ऐसे लोग अगर बिहार की राजगद्दी पर रहेंगे तो मनीष कश्यप जैसे सच्चे लोगों को ऐसे ही जेल में भेजा जाएगा और गरीबों की आवाज उठाने वाले लोगों को ऐसे ही आवाज को दबाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसीलिए मैं बिहार की उन सभी जनता से कहना चाहूंगा कि एक बार आप बीजेपी पार्टी को भी मौका देकर देखिए, मनीष कश्यप को भी मौका देकर देखिए। और बिहार अगर नहीं बदलता है तो बीजेपी पार्टी यह वादा करती है कि आगे से वह चुनाव भी नहीं लड़ेगी बिहार से। इसी वजह से पत्रकार मनीष कश्यप का केवल आप लोग एक बार सपोर्ट कीजिए, ऐसा रवि किशन जी का कहना है। दोस्तों इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोगों की नजरों में पत्रकार मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बनाना उचित होगा या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।